नमस्कार, जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जिमीकंद ये जिमीकंद आप देख रहे हैं, इसका जो डंठल है और यहाँ पर भी आप देखिए, ये 2 साल का जिमीकंद है और इसे निकाला नहीं गया था। तो इस साल इस जिमीकंद को निकाला जाएगा और औसतन एक कंद में 5 से 7 किलो तक होगा और ये कम से कम 10 किलो का जिमीकंद इसमें से निकल जाएगा। जिमीकंद लगाना बहुत ही आसान है। हल्के से आधा फीट और 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा तैयार करें। गड्ढा तैयार करने के बाद जितने भी सूखे पत्ते होते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे बहुत से सूखे पत्ते हैं, तो इस तरीके से सूखे पत्ते गड्ढे में डाल दें। डालने के उपरांत औसतन 1 किलो 1.25 किलो तक का कंद लगाते समय उपयोग करना चाहिए। हर साल उत्पादन लेना है तो औसतन 1 से 1.5 1.25 किलो तक का कंद उपयोग करें। और क्या बड़े साइज़ के कंद रहते हैं तो उसे बराबर मात्रा में काट दीजिए। काटने के बाद गोबर घोल में डाल के सुखो दें। सुखोने के उपरांत उसे ज़मीन में रोपण कर दें। और ये लगाने का सही समय है अप्रैल मई के महीने में। इसमें से अंकुरण निकलना शुरू हो जाता है तो उसी बीच लगाया जाता है। और लगाने के बाद गोबर खाद, कंपोस्ट और थोड़ी सी मिट्टी मिला के उसको पौधे कंद लगाने के बाद उसे ढक के रख दें। और गर्मी के महीने में अगर जिमीकंद की सही समय पे सिंचाई होते रहेगी तो आप देख रहे हो इस तरीके से आपको भी जिमीकंद मिल सकता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जिमीकंद को बहुत ही छोटे कंद लगाया जाता है, 50 से 100 ग्राम का कंद लगाते हैं और 2 से 3 और 4 साल तक खेत में लगे रहने देते हैं। 4 साल के उपरांत ही कंद को निकालते हैं तो उसमें भी कम से कम 8-10 किलो तक का उत्पादन हो जाता है। ये एलिफेंट ये दक्षिण भारत की वैरायटी है। इसे एलिफेंट यम के नाम से जाना जाता है और भी प्रचलित कुछ नाम होंगे। खासकर इसकी जो साइज़ है हाथी के पैर का साइज़ का रहता है और बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है। इसमें इस कंद की खासियत ये है कि बहुत ही कम खुजली होती है। सब्जी हम कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो उसमें खुजलाहट बहुत ही कम रहता है। खासकर जिमीकंद की सब्जी में कुछ खट्टा पदार्थ की मात्रा को ज़्यादा डाला जाता ताकि खुजलाहट ख़त्म कर सके। और हमारे छत्तीसगढ़ में इसके बहुत से अलग अलग रेसिपी भी बनती है, सुखा के भी खाया जाता है। और ख़ासकर आप जो डंठल देख रहे हैं, डंठल की बड़ी बनाई जाती है। तो ये जिमीकंद पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद डंठल को काट दिया जाता है छत्तीसगढ़ में, और काटने के बाद उसे
हल्का से बारीक पीस के उड़द मूंग के दाल में मिक्स करके इसकी बड़ी बनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट रहता है और बहुत महंगे दाम पे बिकता है। ऐसे ही विशेष जानकारी समय समय पे मिलते रहेगी, इसीलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।